गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल जयास वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है संडे और हर संडे को मैं जाती हूँ मेरी बेटी को लेके ड्राइंग क्लास में। तो आज मैं भी जा रही हूँ, लेकिन आज मैं लेट हो चुकी है, 10 बज गई है दोस्तों, और 10 बजे से ही ड्राइंग क्लास शुरू होती है। तो देखते हैं रास्ते में अगर कोई टॉमटम मिल जाए तो उसके चली जाऊँगी, और अगर टॉमटम नहीं मिलती है तो पैदल ही जाना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं टॉमटम नहीं मिली है और हम लोग पैदल ही बहुत दूर तक आ चुके हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी 10:13 हो चुकी है और मार्केट ये है माजबा टाउन। तो ये आप सामने में देख पा रहे हैं, ये है दोस्तों डेली मार्केट। यहाँ पे डेली मार्केट लगते हैं। तो दुकानें तो आधी खुली है और आधी अभी तक खुली नहीं है। सुबह का टाइम है और ठंडा का मौसम है, शायद इसीलिए सब दुकान नहीं खुली है। तो दोस्तों, ये जो पेट्रोल पंप दिखाई दे रहे हैं ये काफ़ी पुराना है, और दोस्तों आगे चलने से एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जहाँ पे SBI का नया नया बैंक खोले हैं। तो हमारे माजबाट में पहले SBI का बैंक नहीं था, तो अभी SBI का बैंक होने के कारण से सभी लोगों को बहुत सुविधा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, SBI बिल्डिंग के नीचे में 2 ATM भी है। तो देखिए, ये सामने दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 2 ATM लगे हुए हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग जाएंगे माजबाट का स्टेशन वाले रोड में। तो देखिए दोस्तों, ये आगे राइट साइड में जो रोड गए हैं ये सीधा जाके स्टेशन में जाके मिलता है। तो इसी रोड पे जाने से हम लोगों को ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल मिलता है दोस्तों। तो उसी स्कूल में ड्राइंग का क्लास होगी। तो देखिए दोस्तों, आगे में जो गेट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, यही है ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अंदर में, देखते हैं। तो दोस्तों लगता है क्लास शुरू हो चुकी है। तो बेटी को मैं अभी भेजा देने वाली हूँ अंदर में। तो दोस्तों, एक क्लास 12 बजे छुट्टी होगी और तब तक मैं इधर में ही कहीं बैठूंगी। तो छुट्टी होने के बाद एक साथ में बेटे को लेके मैं यहाँ से जाऊंगी। तो फाइनली दोस्तों, स्कूल छुट्टी हो चुकी है और मैं अभी आ गई हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक ब्रिज आपको दिखाई देगा। ये जो ब्रिज है ये माजबाट टाउन और माजबाट बागान को कनेक्ट करती है। और आगे देखिए दोस्तों, एक रास्ता दिखाई देगा, ये जो रास्ता माजबाट बागान की तरफ जाते हैं। तो आज हम इसी रास्ते से जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे में क्या क्या मिलते हैं हम लोगों को। तो देखिए दोस्तों, इस रोड के दोनों तरफ में कुछ कुछ दुकानें दिखाई दे रही है। ऐसे तो दोस्तों ये दुकान काफ़ी पुराने हैं, लेकिन नए नए भी कुछ कुछ दुकानें इधर में बन गई हैं। तो मैं इस रोड से बहुत साल के बाद इधर से जा रही हूँ, तो बहुत चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं अभी। तो इधर में घर भी बन चुके हैं, रास्ता भी दोस्तों अच्छा है, अभी पक्का हो गए हैं, पहले पक्का नहीं थे रास्ता जो। तो ये रास्ता सीधा माजबाट बागान तरफ जाएगा। तो दोस्तों, ये रास्ता बचपन की याद दिलाती है, क्योंकि इसी रास्ते से हम लोग स्कूल में जाते थे। तो अभी इस रास्ते से चल रहे हैं और हमें बचपन की वो यादें, हम मतलब बचपन की वो याद आ रही है दोस्तों। सर हाय बोलो। हाय। तो दोस्तों देखिए, हम लोग मंदिर के पूरा सामने में आ गए हैं।
तो दोस्तों एकदम सीधा जो रास्ता गए हैं ये सीधा जाके माजबाट बगान का फैक्ट्री में जाके मिलता है, कॉल घर बोलते हैं। दोस्त का घर भी यहाँ पे ही है। अच्छा, और दोस्तों यहाँ पे देखिए ये वो जगह दिख रहा है, यहाँ पे वीकली एक मार्केट लगते हैं, हर मंडे को ये मार्केट लगा जाता है शाम के टाइम पे। ये रोड दोस्तों रेलवे स्टेशन तक जाता है और मुरकाटी नाम का भी एक जगह पे जाता है। मेरे दोस्त भी उधर में है। और ये रास्ता गया है सीधा हॉस्पिटल की तरफ में। तो दोस्तों यही है वो मंदिर जहाँ पे बचपन में मैं आती थी पूजा करने के लिए, यहाँ पे हर मंडे को मैं आती थी इसी मंदिर पे। जब मैं दोस्तों यहाँ पे आती थी तो मंदिर इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा ही मंदिर था, बाद में ये सब बनाया गया है, ये वॉल किया गया है बाद में। तो ये तो शिव का मंदिर है लेकिन इसके ऊपर में हनुमान जी को बैठाया गया है, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों चलिए अभी चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये जो जगह दिखाई दे रहा है इधर चारों तरफ से इधर में नेट का फिनिशिंग किया गया है, इसके अंदर में लकड़ियाँ जो बगान में पेड़ काटे जाते हैं वो सब जमा किए गए हैं, तो लोगों के घर में भी इसको दिया जाता है। ये जो आगे में देखिए एक पेड़ दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है दोस्तों। इस पेड़ के ऊपर में देखिए मधुमक्खी लोगों ने छत्ता बना के रखा है, ढेर सारे मधुमक्खी दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। मुझे सैर करना बहुत पसंद है। देखिए दोस्तों बहुत सारे मधुमक्खी इसमें छत्ता बना के रखे हैं। वाव वाव, ढेर सारा मधुमक्खी ने छत्ता बनाया है। मधुमक्खी से डर लगता है। मधुमक्खी नहीं आएगा बेटा हम लोग के ऊपर में भी। हम ना चले, ये मधुमक्खी तो है ना। हाँ मधुमक्खी है, लोगों ने तोड़े भी हैं यहाँ से, देखो देखो मधुमक्खी है। तोड़े ढेर सारा मधुमक्खी। ये सीरीज का गाछ है, सीरीज, इसको सीरीज का गाछ बोला जाता है दोस्तों। क्या खाने के लिए तुम खाओगे इसे? तो दोस्तों देखिए इधर में भी एक रास्ता है, ये भी पक्का बन गया है अभी, पहले ये पक्का नहीं था, पहले तो सब कच्चा था। कच्चा ही थे बेटा ये सब रास्ता, सब कच्चा था, हम लोग साइकिल चलाते थे, एक बार पक्का हुआ था बीच में सब टूट गया। तो दोस्तों देखिए बेटे ने बहुत जीत किया इधर में आने के लिए, बोला बोल दो। मेरा अल्फोंसा एक नाम का दोस्त रहता है, मतलब मेरी बेटी का एक सहेली का घर इधर में है, तो वो यहाँ पे आने के लिए बहुत जिद कर रही थी, मुझे लेके आ गई। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगी, ये जो जगह है यही मेरा जन्म का जगह है दोस्तों। ये जो क्वार्टर यहाँ पे नहीं बेटा, ये क्वार्टर में मेरा जन्म हुआ था। ये जो क्वार्टर आप देख पा रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं, चलिए यहाँ पर बड़ी हुई हूँ। ये जगह मेरा बेटी ने आज में मुझे लेके यहाँ पर लेके आई गया है। ये देखिए प्लेग्राउंड था दोस्तों, यहाँ पे झूला लगते थे, यहाँ पे मैं खेली हूँ, बहुत खेली हूँ यहाँ पे इस जगह पे। अभी बहुत सारे चीज़ नहीं है यहाँ पे, एक घोड़ा भी था, घोड़ा भी अभी दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यही वो घर है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है। आज अभी तो इसमें कोई दूसरा लोग रहता है, ये क्वार्टर है बगान की तरफ से, इसमें हम लोग रहते थे, यही क्वार्टर है दोस्तों। ये हमारा बगल वाला घर है, तो इसी घर में दोस्त रहता है हमारा, मतलब मेरी बेटी का दोस्त यहाँ पे है, तो लेके आ गई है यहाँ पे, तो जाके देखते हैं। जाओ मैं काम कर रहा था, मौके फोटो उठा। ये देखिए दोस्तों हम लोग आ गए हैं हमारे घर के एकदम नज़दीक में। ये एक आंटी है काम कर रही है, बोल रहे हैं मैं काम कर रही हूँ, मुझे फ़ोटो उठा रही बोल रही है। तो बहुत बहुत साल के बाद आया, बहुत दिनों के बाद नहीं दोस्तों, बहुत बहुत साल हो गए हमारे यहाँ पे। तो इनकी पोती लगती है जो मेरे बेटे के साथ में पढ़ती है, तो ज़ोर ज़बरदस्ती हमको यहाँ पे लेके आई है। जाओ अपने दोस्त से मिलो, जाओ। की खबर? की खबर? खबर भले। अस्पताल नहीं जाइ? बिरसी आए ना गले? गले कहाँ था कि जोर जबरदस्ती मौके लेके आ जाए, मैं उधर से घोरे जाते रहो ना। हाँ। चल चल अल्पुंसा के घर जाम जाम, मैं ना जम के ठेल ठेल के ले, रास्ता में वीडियो बनाता है, हम ठेल ठेला के ले आ ली। की लगे इटा?
कहाँ जब रे तोर घर के आदमी के चिन्ह नहीं पावे सब बदली हो गया आप लोगों का घर भांगा देने से क्या होगा हमको तो मालूम ही है ना तो दोस्तों देखिए मैं वीडियो बना रही हूँ देख के मेरी बेटी का दोस्त जो शर्मा गई वो भाग रही है तो मेरी बेटी गई ही उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए ये मेरा हेडफोन सा दोस्त अरे उसको बैठने बोलो की खबर आलपुन सा भल खेली आसला खेली आसला तो दोस्तों देखिए इन्होंने लोग चाय सा पिला दिए बिस्कुट सिस्कुट खाए पानी से नहीं पिलाए स्वागत तो किया अभी हम लोग चलेंगे टाइम हो चुका है हम लोग का हो गया। तो चलो टाटा बाय बाय करो अभी चलेंगे अपना दोस्त से विदा ले लो टाटा बाय बाय करो चाय नहीं पिया नहीं पिया चलो अपना बैग ले लो बैग छोड़ के बैग भुला जाए देशपुर में जाए केक खाए जो ना मोर भी मोर वीडियो के चक्कर में आए जब हम आजाद बागान शिव मंदिर तक हाँ पीछे देखो ले बैग कहाँ और बैग नहीं बोले ये हे फिर आरो दौड़ दौड़ के गली वहाँ देशपुर में जाके बैग लेके आली वहाँ से ठीक है होगा चलते हैं हाँ अच्छा, तामुल तो नहीं तामुल ऐसे भी हम खाता नहीं है ठीक है टाटा बाय बाय अच्छा बेटा आ जाओ वहाँ से आ जाओ आ जाओ आ जाओ अभी खेलने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे कम 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 दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको ये जो पेड़ है जब जिस समय हम लोग इस जगह को छोड़े थे इस क्वार्टर को छोड़े थे तब ये पेड़ बहुत ही छोटे थे दोस्तों अभी ये पर काफ़ी बड़े हो गए हैं इन कई सालों में संडे संडे को आएंगे तुम लोग भी आया था ना तो दोस्तों ये देखिए हॉस्पिटल ये फ्रंट का गेट है गेट तो वैसा ही है जैसे पहले था हॉस्पिटल भी चेंजेस तो नहीं हुआ है जैसा पहले था वैसे ही है दोस्तों अभी भी लेकिन बाकी चीज़ें तो चेंजेस हो चुकी है यहाँ पे दोस्तों देखिए एक भंडारी घर है जहाँ पे हॉस्पिटल का पेशेंट लोगों का खाना बनाया जाता है वहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है छोटा सा यहाँ पे भी हम लोग आते थे कभी कभी तो दोस्तों इस भंडारी घर के पीछे में देख रहे हैं डॉक्टर का क्वार्टर है इसमें गेट लगा दिए हैं अभी बड़ा सा पहले ये गेट नहीं थे यहाँ पे तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको हम और एक चीज़ दिखाने वाले हैं माजबट बागान के थोड़ा सा आगे आने से यहाँ पे ये बड़ा बड़ा पेड़ इस पेड़ को तो हम लोग काटफूल बोलते हैं तो यहाँ पे मतलब बागान में जितने भी लोग हैं दोस्तों यहाँ पे साल में एक बार कुछ पूजा किया जाता है कुछ पूजा होता है लेकिन क्या पूजा होता है इसको क्या बोलते हैं हम भूल गए हैं दोस्तों हमको अभी याद नहीं आ रहा है याद आने से आपको ज़रूर बताएंगे पापी को बुला रहे हैं पापी आ रहा है मुझे पपीज बहुत पसंद है लेकिन बड़े बड़े थोड़े छोटे पसंद है क्योंकि बड़े ज़्यादा प्यारे नहीं होते छोटे सबसे प्यारे होते हैं ना तो दोस्तों देखिए ये रोड आके इस रोड पे मिलते हैं ये जो रोड है इस रोड का नाम रूपा रोड है दोस्तों एकदम आके मस्जिद के पास में इस रोड में मिल जाते हैं दोस्तों अगर हम इस रोड से सीधा जाते हैं तो हमें अरुणाचल का तवांग मिलता है इसी रोड से तो दोस्तों जितने भी पॉसिबल हो सका है मुझसे दोस्तों मैंने आप लोगों को दिखाया है माजबट टाउन माजबट बागान एंड माजबट मार्केट दिखाया है
कहाँ पे मैं जन्म हुई थी वो भी जगह आप लोगों को दिखाया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो में आप लोगों का प्यार बनाते रहिए ताकि मैं नेक्स्ट टाइम पर आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगी। तो दोस्तों आज के लिए यहाँ पर ख़त्म करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम पर आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।